सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हर युग में माने अधर्म को नष्ट करने के लिए हमेशा अवतार धारण किया है। कभी वह चंडी बनकर आती है, कभी कौशिकी रूप धारण करती है, कभी पार्वती रूप धारण करती है। इस धरती पर वो भी समय था जब शुभ और निशुम ने इस धरती पर अत्याचार की आंधी ला दी। शुभ निशुम के अत्याचारों से पीड़ित देव समाज ने आज माँ भगवती का आराधन किया कि माँ आज तुम्हारे सामने साम्राज्य में अधर्म पनप रहा है, माँ हमारा रक्षण कर। शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों के अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे समय में माँ जगदम्बिके के शरीर से माँ कौशिका प्रकट हुई और कौशिकी के प्रकट होने पर शेष शरीर काला पड़ गया और वो माँ कालिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। जय माँ कालिका भवानी की, जय माँ जगदम्बिके भवानी की। कालिका माँ ने अवतार धारण किया, माँ कौशिकी अपने सुंदर रूप में आज शुंभ निशुंभ के अत्याचारों का अंत करने के लिए उद्यत हो गई। माँ के हाथों से कोई बच ही नहीं पाया। माँ ने उसी समय शुंभ निशुंभ के भेजे हुए कितने असुरों को काल के गाल में पहुंचाया, चंड मुंड को मार गिराया। अब की बार शुंभ और निशुंभ को लगा ये तो कौन है, अब की बार मैं इसके रक्त बीज को भेजूंगा और ये मार नहीं पाएगी। जैसे उसी समय शुंभ और निशुंभ ने माँ के समक्ष रक्त बीज को भेजा तो रक्त बीज ने कहा, मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ ने तुम्हारे समक्ष कितने संदेश भेजे, लेकिन हे सुंदर कौशिकी, हे गौर वर्णा, हे सुंदर आंखों वाली, हे कमल लोचनी, मेरे स्वामी तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते, अपनी भार्य बनाना चाहते हैं। आ मेरे स्वामी का वरण कर और पूरा दानव साम्राज्य तुम्हारी पूजा करेगा। माँ कौशिकी कहने लगी, अरे रक्त बीज, इससे पहले आने वाले मूर्खों में क्या मूर्खता की कमी थी जो तुम्हारे महाराज ने एक और मूर्ख मेरे सामने भेज दिया। चंड और मुंड भी तो यही संदेश लेकर आए थे और मैंने एक ही बात कही थी कि अगर तुम्हारा स्वामी मेरा वरण करना चाहता है तो आ उसे बोल युद्ध भूमि में आकर मेरा सामना कर, मेरी तलवार मेरे खड़क का सामना करने का सामर्थ्य है तो आ और मुझे पराजित करके अपनी भार्य बना ले। लेकिन लगता है कि आपके मूर्ख चंड मुंड सही संदेश दे नहीं पाए। रक्त बीज ने कहा, माँ तुम अपने आप को देखो तो तुम बहुत सुंदर हो पर समझ की बड़ी कमी लगती है। इससे पहले जो वो आए मैं उनकी तरह मूर्ख नहीं हूँ, मैं उनसे थोड़ा भिन्न हूँ। महाकौशिकी कहती, अच्छा तुम उससे भिन्न हो तो थोड़ी समझ तो रखते होंगे। जाओ अपने स्वामी को जाकर बोलो, दौड़ कर जाओ कि कौशिकी ने कहा है कि युद्ध में पराजित करके ही तू उसे भार्य बना सकता है, अन्यथा मैं तुम्हारी भार्य नहीं बनूंगी। रक्त बीज कहने लगा, अरे अरे सुंदर नेत्रों वाली, अरे कमल लोचनी, कमल मुख, तुम्हें युद्ध बड़ा अच्छा लगता है, लगता है तुम युद्ध प्रिय हो, और अगर तुम्हें युद्ध ही अच्छा लगता है तो हमारे स्वामी को आने की कोई जरूरत नहीं। स्वामी का ये सेवक रक्त बीज तुम्हारे सामने खड़ा है, आ इससे पहले युद्ध कर फिर मेरे स्वामी के साथ निपट लेना। ये मूर्ख रक्त बीज ये सोच बैठा कि मुझे तो वरदान है, मेरे शरीर से जितनी रक्त की बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही रक्त बीज पैदा हो जाएंगे और ये मेरा सामना नहीं कर पाएगी, नारी तो होती ही दुर्बल है और अनेकों रक्त बीजों का सामना करना इसके बस की बात नहीं है। और जब ये बात रक्त बीज के अंदर चल रही है तो रक्त बीज को ये नहीं पता अंधकार कितना भी पुराना हो प्रकाश पुराने से पुराने अंधकार को नष्ट करने में समर्थ सिद्ध होता है, प्रकाश के सामने अंधकार की बिसात टिकती ही नहीं है। और आज जैसे रक्त बीज ने आह्वान किया तो माँ कौशिकी के कहने के बजाय आज माँ कालिका साथ में खड़ी बोल पड़ी, अरे मूर्ख तुझे युद्ध बड़ा प्रिय है ना, कितनी बार माँ कौशिकी कह रही है कि तुम्हारे स्वामी को मैं तब तक पति नहीं बनाऊंगी जब तक वो मुझे युद्ध में पराजित नहीं करता, लेकिन तू अनर्गल प्रलाप किए जा रहा है। अनर्गल प्रलाप करना वीरों का धर्म नहीं है और अगर तुझमें इतनी ही शक्ति है तो पहले कालिके का सामना कर।
और जैसे माँ कालिका ने ललकारा अपनी खड़ग उठाई तो रक्त बीज का सामना हो रहा है। माँ कालिका विभीषक युद्ध कर रही है। रक्त बीज जैसे सामने आया, माँ ने चलाई अपनी खड़ग, रक्त बीज के शरीर से उसी समय रक्त की बूंदें निकली और एक रक्त बीज पैदा हो गए। इधर माँ कौशिकी उन रक्त बीजों का संहार कर रही है, इधर माँ कालिके लगी है, लेकिन जितने रक्त बीज पर वार होते हैं उतनी रक्त की धाराओं से उतने रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। और उसी समय माँ कालिके माँ कौशिके ने अपनी समस्त शक्तियों का आह्वान किया, हे कौशिकी, हे जगदम्बिके, हे भवानी, हे कराल काली, हे चामुंडा, हे अदिति, हे जयंती, प्रकट हो अपने खड़क खप्पर के साथ और रक्त बीज के रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने ना पाए। समस्त शक्तियां माँ के शरीर से प्रकट हुई और सभी ने खप्पर धारण किया। माँ सबकी गर्दन काटती चली जा रही है और खप्पर से लपलपाती जीवा से माँ अपने रूपों से रक्त का पान करती जा रही है। माँ कराली आज कराल काल में है और जैसे ही रक्त बीज मरते गए, रक्त की धाराएं खप्पर में आती गई, माँ उनका पान कर रही है। और ऐसे समय मात्र एक रक्त बीज बचा था। जैसे एक रक्त बीज बचा उसी समय माँ ने अपनी खड़क चलाई, अंतिम रक्त बीज का अंत हुआ और खड़क से धारा जो निकली उसकी लपलपाती जीवा से माँ ने पान किया उस रक्त का और अधर्मियों का अंत करके भक्तों को हमेशा रक्षा की। इसलिए उस काली कलकत्ते वाली माता को हमेशा दुनिया ने नमन किया है। कोटि कोटि नमन हो हे कराल काली तुझे। जय काली। जय काली कलकत्ते वाली, जय काली कलकत्ते वाली, जय काली, 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 जय काली कलकत्ते वाली, जय काली। तेरा बार न जाए काली, जय काली, जय काली काली, जय काली कलकत्ते वाली, जय 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 काली। तेरा बार न जाए काली, जय काली, जय काली काली, जय काली कलकत्ते वाली, जय 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 काली। अनुभवों को लेखनी के द्वारा बद्ध किया, धार्मिक ग्रंथ बनाए पूजा करने के लिए नहीं, इनको पढ़ो, इनका मनन करो और इन शिक्षाओं को अपने आचरण में उतारो, इसलिए वो लिख कर गए। अगर आपको भूख लगी हो, आप कहें कि हमें भोजन चाहिए और मैं आपको एक ऐसी किताब दे दूं जिसमें भोजन की बड़ी अच्छी चर्चा हो और भोजन की तस्वीरें लगी हो, पेट भर जाएगा? हो ही नहीं सकता। भोजन उधर में जाएगा तभी जाकर हृदय शांत होगा, उधर शांत होगा। ये शिक्षाएं ग्रंथों में हैं, अंदर मन पर नहीं अंकित होंगी, हृदय में नहीं उतरेगी तो आचरण में परिवर्तन नहीं आएगा। औषधि औषधि कहने से रोगों का उपचार नहीं होता, औषधि का सेवन करने से रोग दूर होता है। इन शिक्षाओं को पढ़ेंगे नहीं पर समस्या आ गई, पढ़ोगे कैसे? क्योंकि हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, हमारे अधिकतर ग्रंथ संस्कृत लेखनी में हैं, और आज हमारी युवा पीढ़ी को संस्कृत का तो ज्ञान ही नहीं। हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ें, इंग्लिश बोलें, आंग्ल भाषा बोलें, ताकि लगे हम बहुत पढ़े लिखे हैं। आपका बच्चा चार लोगों के बीच में 2-6 लाइनें इंग्लिश की धारा प्रवाह बोल दे, आपका भी सीना चौड़ा हो जाता है।
कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है। लेकिन अगर आपका बच्चा चार लाइनें विदेशी विद्वानों के आगे भारत की धरती पर अपने लोगों के बीच में संस्कृत की बोलेगा तो सारे संत समाज का, सारे अध्यात्म का, सारे भारत का सीना चौड़ा होगा। ये हम नहीं समझ पाए हैं। मैं किसी भाषा का विरोध नहीं करती, मैं आंग्ल भाषा के विरोधी नहीं, मैं भी इंग्लिश पढ़ती हूँ, मुझे भी इंग्लिश में स्पीचेस देनी पड़ती हैं जहाँ मजबूरी हो, क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया में आपको कार्य व्यापार करने के लिए भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। आप सीखो, मेरा किसी भाषा से विरोध नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहुत सारा ज्ञान पाने की हमेशा मुझे प्यास रहती है। मुझे संस्कृत का ज्ञान हो, मुझे आंग्ल भाषा का ज्ञान हो, हिंदी में व्याकरण में हमारी गहरी पकड़ हो। हमारे देश की संपत्ति है, हम नहीं बटोरेंगे अपने भीतर तो फिर क्या करेंगे? हमारे ऋषियों का खजाना है, इसे अंदर नहीं उतारेंगे तो फिर करना क्या है? सब कुछ जीवन में आए, जो पेड़ होता है धरती से खाद लेता है, पोषित होता है, लेकिन खुद खाद तो नहीं बन जाता। सब कुछ सीखो लेकिन अपनी जड़ तो मजबूत रखो। हमारी जड़ हमारी संस्कृत भाषा है, क्योंकि इसी भाषा में हमारे पास ज्ञान का खजाना है। अगर हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा, हम अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को भी मोटिवेट नहीं करेंगे। मुझे लोग कहते हैं कि साध्वी जी, आप संस्कृत भाषा की बहुत प्रसिद्धि गाती हैं, बहुत महिमा गाती हैं, आजकल समय बदल गया है। बदल गया है, आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नासा तक के वैज्ञानिकों ने ये स्वीकार किया है कि आने वाली जनरेशन के लिए जब कंप्यूटर्स डिजाइन होंगे, नए कंप्यूटर्स बनेंगे, तो संस्कृत भाषा का आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत भाषा से बेहतर कंप्यूटर और किसी लैंग्वेज में बन ही नहीं पा रहे। आंग्ल भाषा को आप देख लीजिए और संस्कृत भाषा को देख लीजिए, इसमें कितना अंतर है। संस्कृत भाषा को देखिए, मातृ अर्थात माता, पितृ पिता, भगिनी बहन। अगर हम बात करें कि संस्कृत में जो पितृ शब्द है किससे निकला है, हम कहेंगे पा धातु से। पिब शब्द है किस, पीना पिबती पीता है, किससे निकला, पिब धातु से। दौड़ता है धावती, किससे निकला, धाव धातु से। और कितने ऐसे शब्द हैं, हर एक शब्द का आपको एक धातु रूप मिलेगा। अब इंग्लिश का कोई भी शब्द उठा लीजिए आप, मान लो मैंने कहा स्टोन, पत्थर, इसका धातु रूप बताइए। स्टोन का धातु क्या है, कोई नहीं। काइट पतंग, इसकी धातु बताइए, कोई धातु नहीं है। मैं कुछ भी बोलती हूँ, फ्लैश, फ्लैश की धातु बताइए। जबकि संस्कृत की हर शब्द की एक जड़ है, एक धातु है। आंग्ल भाषा के शब्द की कोई धातु नहीं, कोई जड़ नहीं है। और संस्कृत मृत भाषा नहीं है सज्जनों, ये संजीवनी बूटी है भारत देश की, जिसकी वजह से हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर बची हुई है। आप टीवी चैनल्स पे जब कभी दूरदर्शन से समाचार सुने, तो दूरदर्शन का एक लोगो है, आपने ध्यान से कभी देखा हो तो, उस लोगों के नीचे तीन शब्द लिखे हुए हैं। किसी को पता है क्या लिखा है? सत्यम शिवम सुंदरम। ये ध्येय वाक्य दूरदर्शन ने अपनाया है और इसे संस्कृत भाषा में ही अपनाया है। अब आप लोकसभा अध्यक्ष की, जहां वो बैठता है, उसकी पीठ पे स्वर्णिम अक्षरों में क्या लिखा है? कोई आंग्ल भाषा नहीं लिखी, उस पे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। लोकसभा अध्यक्ष की पीठ का ध्येय वाक्य भी संस्कृत भाषा में है। हमारी जल सेना शं नो वरुणः, उनका ये ध्येय वाक्य है। हमारी थल सेना का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा अस्माकं धर्मः। जीवन बीमा निगम का मोटो क्या है, लोगो क्या है, ध्येय वाक्य क्या है, जानते हो? वो स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि आपने हमारी, अगर हम प्रणालियों को देखें, योगः कर्मसु कौशलम, ये सब ध्येय वाक्य बड़ी बड़ी संस्थाओं ने संस्कृत भाषा में आज तक अपनाए हुए हैं। हम कहते हैं कि संस्कृत का जमाना नहीं है,
संस्कृत सीखने की जरूरत नहीं है। जर्मनी में यूनिवर्सिटीज में विदेशी लोग संस्कृत भाषा में परफेक्ट होते चले जा रहे हैं, पारंगत होते चले जा रहे हैं, और वो ही न केवल अपने देश की भाषा में पारंगत है, संस्कृत में भी उन्होंने इतनी गहरी पकड़ जमा ली है और उसी संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर हमारे ग्रंथों से खजाना ढूंढ रहे हैं। हमारे वेदों में जो अनेकों चमत्कार हैं, अनेकों आविष्कार हैं, विमानों का आविष्कार है, मरुत्सखा विमान, हवा में उड़ने वाला विमान, मंत्र से लुप्त हो जाने वाला विमान, कैसे मंत्रों से चलने वाला विमान, पल भर में प्रकट हो जाने वाला विमान, पल भर में अंतर्धान हो जाने वाला विमान, कितने विमानों का वर्णन हमारे ग्रंथों में है। उन ग्रंथों से पढ़कर हमारे वैदिक विज्ञान को खोज रहे हैं। आपने लाला जगत नारायण जी का नाम सुना होगा, पंजाब केसरी से उनका नाम जुड़ा है। वो और एक प्रतिष्ठित पत्रकारों का दल रूस गया, आपको देश की विडंबना बता रहे हैं। जब वो रूस गए तो रूस जाने पर वहां के राष्ट्रपति ने भारत के दल का स्वागत संस्कृत भाषा में किया। यहां तक कि यवन देश में जब हमारे राष्ट्रपति गए तो उन्होंने कहा स्वागतम महाभागे अस्माकम देशे, उन्होंने संस्कृत भाषा में हमारा स्वागत किया। जब हमारे इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरे पर आयरलैंड गए तो आयरिश लोगों ने संस्कृत भाषा में उनका स्वागत किया। और लाला जगत नारायण जी अपनी जीवन कहानी के अनुभवों के अंतर्गत लिखते हैं, जब हम रूस में गए तो हमारा स्वागत संस्कृत में हुआ, और उसके बाद हम रूस के एक बहुत बड़े पुस्तकालय में गए, और जब पुस्तकालय के संस्कृत विभाग में गए तो वहाँ संस्कृत विभाग को जो देख रहा था वो हमारे साथ संस्कृत बोल रहा था और हमें संस्कृत में उत्तर देना नहीं आ रहा था, हमें ट्रांसलेटर रखना पड़ा कि बताइए ये संस्कृत में क्या कह रहे हैं। ये हमारे लिए लज्जा की बात थी, हमारे देश की भाषा में विदेशी पारंगत हो रहे हैं और हमें अपनी ही भाषा का, अपनी संस्कृति का, अपनी संस्कृत का ज्ञान दें। लोग कहते हैं साध्वी जी आंग्ल भाषा का समय है, मृत भाषा की चर्चा क्यों करती हैं? मैं कहती हूँ संस्कृत कभी मृत हो नहीं सकती, जन्म से लेकर मरण तक संस्कृत हमारे जीवन का हिस्सा बनी है, हमारे जीवन के 16 संस्कार हैं। हमारा ब्राह्मण समाज जो है वो संस्कृत भाषा में मंत्रोच्चारण करता है, बच्चे के जन्म संस्कार से पूर्व गर्भाधान संस्कार संस्कृत भाषा में, बच्चे का जन्म संस्कार संस्कृत भाषा में, बच्चे का नामकरण संस्कार में मंत्र संस्कृत भाषा में, विवाह में अग्नि के फेरे लेते हुए मंत्र संस्कृत भाषा में, जब आप शमशान जाते हैं वहाँ संस्कृत भाषा में मंत्र, और जब आपकी अस्थियों को पानी में बहाया जाता है तब संस्कृत भाषा में मंत्र। संस्कृत तो हमारी श्वासों में, हमारी संस्कृति में रची बसी है, इसे कौन कहता है ये मृत है? ये तो भारतीयों का प्राण है, प्राण, और हम कहते हैं मृत है। जागिए, अपनी धरोहर को समझिए, ये वो ग्रंथ है हमारे जो बताते हैं कि हमारे जीवन का आदर्श चरित्र कैसा हो, हमारा पुत्र हो तो उसमें कैसे संस्कार हो, श्रवण कुमार जैसे संस्कार हो, हमारे घर में बहू आए तो देवर के लिए वो सीता जैसी भाभी हो, ये हमारे ग्रंथ बताते हैं। अगर आदर्श भाई हो तो उसका आचरण कैसा हो, लक्ष्मण जैसा हो, भरत जैसा हो, और अगर आदर्श राजा चाहिए तो कैसा हो, कृष्ण जैसा हो, गुरु हो तो कैसा हो, ये सारा ज्ञान इन ग्रंथों में समाहित है। इसलिए सम्मान करिए अपने भारत माता का, भारत धरती का। मैं कहती हूँ इस संस्कृति में जो प्यार है, जो रस है, वो कहीं नहीं मिलने वाला। हम गांवों में अपने घरों में क्या बोलते हैं? माता। आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं आपको? आजकल के बच्चे आपको क्या कहते हैं? मम्मी, मम्मी सिखाया है। माँ और मम्मी का अंतर देखिए, माँ शब्द में वात्सल्य है या मम्मी में? अगर आंग्ल भाषा का मम्मी अर्थ निकाले तो मम्मी मतलब किसको कहते हैं? मुर्दा लाश को जब संभाला जाता है उसे मम्मी कहा जाता है। जीती जागती प्यार की मूरत है आप। अपने बच्चों को बोलो हमें माँ कहे, मुर्दा मत संबोधित करें, सिखाओ अपने बच्चों को, संस्कार दो। हम त्रिवेणी के तट पर गए, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया का पूजन किया, उन्हें क्या बोलते? माँ बोलते हैं ना। गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की। अब मेरे साथ बोली गंगा मम्मी की, कैसा लग रहा है? यमुना मम्मी की,
अच्छा लग रहा है? सरस्वती मम्मी कहाँ हो, दिखती नहीं हो, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा ना? वो मैया है, तुम भी मैया हो। अरे मैया में जो वात्सल्य छिपा है, माँ शब्द में जो वात्सल्य छिपा है, वो मम्मी में कहाँ? ये क्या पापा पापा बने फिरते हो? डैड 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 शब्द तो है ही कैसा? अरे पिता बनिए, पिताजी शब्द में जो भाव है, पापा पापा में कहाँ है? पाए ही तो जा रहे पापा, कितना पाना है, अब तो देने की बारी आ गई है। इतने सुंदर धरती पर आकर, प्रयागराज के इस धरती पर उसकी गोदी में बैठकर, नारायण सेवा संस्थान परिवार के तत्वाधान में इतनी प्यारी प्रभु की कथा, प्रभु का ज्ञान, ऋषि मनीषियों का ज्ञान हमें कितना कुछ सिखा रहा है। अब क्या कमी है इस धरती मैया में जो हमें नहीं दे रही? हमारी बारी, हम भी कुछ करें। जिन्होंने इतने सुंदर ज्ञान की गंगा का अवसर दिया, हम भी इस संस्थान में अपनी सेवाएं अर्पित करें। दिव्यांग लोगों के ऑपरेशंस के लिए, उनके कृत्रिम उपकरणों के लिए, उनको जो सहायता चाहिए, जो आपसे बन पड़ता है, अपने हिस्से से निकालिए और प्रभु की कृपा, प्रभु के प्रेम को प्राप्त करें। आदर्श भाई कैसा हो, आदर्श पुत्र कैसा हो, आदर्श पत्नी कैसी हो, आइए एक भजन के द्वारा, जो दीदी की अपनी रचना है, आपकी ही है, उनके जज्बात हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं अपनी रचना से, आइए श्रवण करते हैं। महासेवा महा की ममता और पुत्र मानो शरवणी भाभी मांगो देवर लक्ष्मण की तरह, ओ भाभी मांगो देवर लक्ष्मण की तरह, महासेवा को महा की ममता, महासेवा को महा की ममता, और पुत्र मांगो शरवण भाभी मांगो देवर लक्ष्मण
की तरह लक्ष्मण